गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? भगवान करें आप हमेशा अच्छे रहें। सुबह के बज रहे हैं 4:50 और मैं उठ चुका हूँ। अब फ्रेश होके मैं जाऊँगा दूध लेने। 5:10 हो रहे हैं, दूध लेने जा रहा हूँ। भाई इतनी सुबह पूरी रोड खाली रहती है, कोई मिलेगा भी ना तो वही होगा जो दूध ही लेने जा रहा होगा। भाई सच में हद है भाई, कोई भी नहीं उठ रहा होता इस टाइम पे। आप भी उठो यार, सुबह की ठंडी ठंडी हवा फील करो, मज़ा आ रहा था। फिर ये भाई ये बिल्डिंग जो है इसमें सेकंड फ्लोर पे मेरी लाइब्रेरी है, इसी लाइब्रेरी में आता हूँ मैं। और भाई पास में भी है तो ये बेनिफिट है। और भाई साइलेंट रहता है, अच्छा रहता है लाइब्रेरी में पढ़ना। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं भाई लाइब्रेरी में पढ़ने के। तो भाई दिन भर की एनर्जी के लिए अपना स्प्राउट्स और किशमिश खा लेते हैं। भाई पढ़ाई के लिए एनर्जी चाहिए तो कुछ तो हेल्दी खाना होगा। 6 बज रहे हैं, 6 बजे अपना टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट। 2 करने एडिशन, 20 करने एडिशन, 20 करने सब्सट्रैक्शन, 20 करने अपने मल्टीप्लिकेशन और 20 करने अपने डिवाइड। फिर इसके बाद अपना 1 से 40 तक अपने स्क्वायर लर्न करने हैं और 1 से 33 तक करने हैं हमें क्यूब। और फिर इसके बाद अपना वोकैब करनी है। वोकैब करनी है हमने, मतलब कल मैंने की थी 1 से 92 तक, तो वो मुझे रिवाइज करनी है। और इसके बाद मुझे करनी है 92 से 104 तक मुझे लर्न करनी है। तो ये अपना हो गया कंपलसरी जो मुझे रोज करना है। अब सब्जेक्टिव पे आ गए तो मैथ्स में मुझे CISI कंप्लीट करने कैसे भी करके। और भाई क्योंकि कल का दिन फिर क्वेश्चनों के लिए बचाना है तो करनी है कैसे भी। फिर इंग्लिश में आ गया अपना रीडिंग। भाई आप भी करो रीडिंग, भाई कंपलसरी कर दो ये भी चीज़। और फिर इसके बाद नीतू मैम्स की वीडियो तो नहीं है मेरे पास, पर बुक से करना है, बुक से प्रनाउन करूँगा। और बुक भी नहीं है, मैं तो PDF से पढ़ता हूँ यार। फिर अमन वशिष्ठ सर की वीडियो कंप्लीट करने की सोचूंगा, कैसे भी करे करनी है वीडियो तो कंप्लीट करनी है। प्रनाउन चाहे आज हो ना पाए मगर वीडियो तो करनी है भाई, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। फिर स्टैटिक GK की नेक्स्ट टॉपिक करना है, स्टैटिक GK का। और क्या कहते हैं, फिर हिस्ट्री में करनी है मुझे कंप्लीट, एंशियंट हिस्ट्री करनी है जितनी भी होती है, जितनी क्या शायद आधे घंटे की बची हुई है तो वो कंप्लीट कर दूंगा आज। कोशिश करूंगा कंप्लीट हो जाएगी, वैसे रात को कर दूंगा कंप्लीट। और फिर इसके बाद मेरे को करना है रीजनिंग। हाँ रीजनिंग करनी है मुझे, रीजनिंग में मुझे, मैंने कल नंबर सीरीज स्टार्ट करी थी तो क्वेश्चन हो नहीं पाए कोडिंग डिकोडिंग का, तो सोच रहा हूँ आज कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कंप्लीट कर दूँ, फिर नंबर सीरीज कर दूंगा उसके बाद कंप्लीट। नंबर सीरीज में भी ऐसा कुछ है नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन ही होते हैं तो वो भी हो जाएगा कंप्लीट। और भाई देखो मैं आपको एडवाइस दूं तो अगर आप अपनी टू डू लिस्ट नहीं बना पाते तो भाई देखो वर्सेटाइल मेंटो नाम से यूट्यूब चैनल है, मानस नाम से भैया क्या सर है, मतलब उनकी भी ऑल इंडिया रैंक आई है CGL में 41। तो वो ना सीरीज करते हैं बिगनर के लिए और सबके लिए करते हैं, रिपीटर्स के लिए, तो उनको फॉलो कर सकते हो। और भाई मैंने कल अपना बैकअप डे इंक्लूड किया था 20 दिन बाद, कि भाई कम से कम 20 दिन हो, जो भी पीछे का बचा हुआ है वो सारा कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए मैंने कल का दिन बैकअप डे करा था, और होना भी चाहिए एक बैकअप डे यार, जिस दिन मैं सब कुछ कंप्लीट कर सकूं। फिर 6:30 हो गए हैं, 6:30 बजे अब अपना जिम का टाइम हो गया है। तो लैपटॉप, लैपटॉप कह रहा हूँ यार, लैपटॉप कहाँ से आ गया। फिर जिम बैग में अपना ये रखेंगे, बेल्ट रख ली, टॉवल रख लिया और स्ट्रैप्स रख लिए अपने, और फिर वाटर बॉटल। और मेरा पंटर कहाँ गायब हो गया यार, पंटर अरे इधर है ये भाई, मेरा पंटर, मेरा जिम ब्रो, ये रहता है मेरे साथ जिम में पूरे टाइम। फिर ठंड हो रही है तो जैकेट भी ले ली भाई, सुबह के बजे 6:35। और भाई इतना सही मौसम होता है भाई, सूर्यदेव अभी छुपे हुए हैं भाई, अगर वो निकल गए तो भाई एकदम से गर्मी फैला देंगे। तो भाई आप भी जल्दी उठो और इस सुबह सुबह की शुद्ध हवा भाई फील करो, मज़ा ही आ रहा है। एकदम से बेड से उठ के छत पे जाके देखो जो हवा लगेगी ना भाई गालों पे, आहा मज़ा आ जाएगा। जिम आ गया हूँ, 6:40 हो रहे हैं भाई, ये मेरा जिम है, ये वेटिंग सेक्शन है भाई इसमें। और भाई सच बताऊँ तो मेरे से व्लॉग होता नहीं है तो इसलिए आज बना रहा हूँ, कम लोग हैं। और ये फर्स्ट फ्लोर पे है मेरा, हमारा कार्डियो सेक्शन, इसमें ज़्यादातर लड़कियाँ ही होती हैं कार्डियो सेक्शन में, तो लौंडे तो क्या ही करेंगे। फिर भाई उसको आज मेरा था शोल्डर डे, तो भाई शोल्डर मेरी कंप्लीट हो गई थी मगर वीडियो में कुछ ना कुछ तो डालना था कि क्या किया है, तो इसलिए मैंने दोबारा से एक सेट मार दिया 20 के वेट से। फिर घर आ गया हूँ, 8:30 हो रहे हैं। और भाई
गेट खुलते भक्ति है बाहर, इसको बस बाहर में मजे आते हैं भाई, बहुत बाहर ही घूमना होता है सब पूरे दिन। अब इसके पीछे करोगे कि अंदर आ, अंदर आ नहीं आएगी, खेलने के मूड में होगी। अब देखो ये, अभी चंद्रयान इधर भागा, ए चंद्रयान भग गया। फिर भाई अपना सूर्य देव को पानी देने के लिए किसी और की वजह से स्टार्ट किया था, अब वो वजह ही नहीं रही। कोई नहीं, हम तो करेंगे भाई सदा बाहर। फिर अपना 9:05 हो रहे हैं, तो नाश्ता कर लेते हैं अपना रोज की तरह। अब ये बैठ गया आके, इसको चने से प्यार है, इसको चने चाहिए बस। फिर अपना सुबह के बज रहे हैं 9:15, और अब मैं थोड़ा मैथ्स पढ़ लेता हूँ लाइब्रेरी जाने से पहले। फिर अब लाइब्रेरी का टाइम हो गया तो मैं निकल लिया 10 बजे। आधा घंटा ही पढ़ पाते हैं यार, मूड होता नहीं है बस इतनी जल्दी पढ़ने का घर में। मम्मी इधर करेगी, मम्मी उधर करेगी, बोलेगी कुछ कुछ, तो इसलिए अब लाइब्रेरी निकल गया हूँ। फिर वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले भैया अपनी चप्पल रखी शू रैक में। शू तो पहन के नहीं आया मैं आज तक लाइब्रेरी में, वो बहुत टाइम हो गया, लाइब्रेरी में शू नहीं पहन के आया, चप्पल ही पहन के आता हूँ। और सबसे पहले पहन के आते हैं, कंफर्टेबल होती है, आया उतार दिया रख दिया, पहन के निकल गए, सबसे बढ़िया रहती है चप्पल, क्या जूता जाता पहन के आओ। ये अपने डेस्क गेट के पास में ही है। फिर अपना 10:10 हो गए, वाटर बोतल वगैरह पानी वगैरह भर के बैठ गया हूँ। अपना हो गया कैलकुलेशन का टाइम, और कैलकुलेशन अगर आपको करनी हो तो ऐप है मेरी डिस्क्रिप्शन में। फिर 10:25 हो रहे हैं, मैं वो करने स्क्वायर और क्यूब्स लर्न कॉपी के पीछे लिख रखे हैं मैंने। फिर अब 10:35 हो रहे हैं, वो कैब करनी है। मैं करता हूँ इंग्लिश की बुक से, मतलब पिनेकल की बुक आती है SSC इंग्लिश, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उसमें, तो उसी से करना है। फिर 11:10 हो रहे हैं, अपना CISI दोबारा से स्टार्ट। फिर भाई 1:15 थोड़ा पढ़ लिया मैथ्स, फिर अब भूख लग रही है तो 1:15 घर जा रहा हूँ। और ये देखो ये वेट कर रही है भाई गेट पे बैठे बैठे, कुंडे की आवाज़ आई और बस आ गई कि आ गया भैया, वेट कर रही है। तो अब खाना वाना खा के घर दोबारा से लाइब्रेरी वापस, 2 बज रहे हैं, लाइब्रेरी पहुंच जाएंगे दोबारा भाई अपने काम पे, लंच खत्म। फिर अपनी शू रैक में अपनी चप्पल रही, चप्पल भाई इतने साल से चला रहा हूँ घिसती नहीं है भाई, ये ना टूटती पता नहीं क्या, ये पीछे पड़ गई मेरे चप्पल ये तो। फिर इसके बाद अपना मैथ्स दोबारा स्टार्ट, CISI भाई मैथ्स भाई ख़त्म ही नहीं होनी, ख़त्म ही नहीं होनी भाई, चैप्टर इतने और ऊपर से भाई से कैलकुलेशन। और भाई जिस दिन ये मैथ्स ख़त्म हो गई गंगा ना आऊँगा भाई। अभी आगे 4 बज रहे हैं, थोड़ा सो लेते हैं भाई, नींद आती तो भाई मैं यहीं सो जाता हूँ, लाइब्रेरी में कौन गड़ जाए। 1 घंटा सोने जाओ, 2-4 घंटे कब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा, इसलिए 10 मिनट की नींद यहीं मार ली। और भाई अगर आपको भी सोते वक्त में झटके लगते हो तो बताना यार, मेरे को बहुत झटके लगते हैं, शायद सोचते सोचते सो रहा हूँ इसलिए लगते हैं, पता नहीं क्या रीज़न है। अगर आपको पता है तो आप बता देना भाई, करके देख लूँगा सॉल्यूशन कुछ है इस चीज़ का। तो अब भाई 4:15 हो गए, अपनी रीडिंग कर लेते हैं। एक पावर बुक लिया दोस्त से भाई, इतनी मोटी बुक है इसकी, तो ये तो ख़त्म होनी नहीं भाई, होगी नहीं मुझसे, वापस कर दूंगा इसको, मज़ा भी नहीं आ रहा। 48 लॉज हैं भाई, है तो इम्प्रूवमेंट के लिए मगर लगता नहीं है भाई, जब तक इंटरेस्ट ही नहीं आएगा बुक में तो कैसे कंप्लीट करूँगा इसको। 2 लॉज पढ़े हैं और भाई मत्था भी लग गया इसको पढ़ के, क्योंकि यार जब तक मज़ा नहीं आएगा ना पढ़ने में तो लोड लोड से लगेगा कि रीडिंग भी अगर कर रहा है अंदा तो वो भी लोड लेके पढ़ रहा है कि बस एक उसको टारगेट पूरा करना है। ऐसे थोड़ी यार, बिना इंटरेस्ट के पढ़ने में मज़ा नहीं आता, तो जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा तब तो मज़ा नहीं आएगा। तो भाई नोवेल चेंज करने की सोच रहा हूँ, दूसरी नोवेल मांगूंगा अगर होगी इस पर। तो 4:50 हो रहे हैं, तो भाई अपना कर लेता हूँ जी के थोड़ा। अब ये वो है रिवर सिस्टम कंप्लीट तो हुआ नहीं था, अभी तो ऊपर ही ऊपर चल रहा है, मतलब यही कश्मीर और दिल्ली तक इतनी हुआ है, इतना ही हुआ है अब तक, तो उसके आगे कंप्लीट करना है आज। फिर इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कर लेता हूँ, कंप्लीट कर दूँगा आज, हो जाए कंप्लीट 1-2 घंटे में। फिर 8:13 हो गए, घर आ गया हूँ, थोड़ा जल्दी को भाई टारगेट कंप्लीट हो गया तो आ लिया घर, रिवाइज कर वगैरह सब कुछ कर कुरा ख़त्म करके। अब देखो कौन वेट कर रहा है, ये फिर वेट भाई, कुंडी की आवाज़ से बिल्कुल गेट के पास पहुँच जाएगी, देखो हड्डी वड्डी सब कुछ छोड़ देगी, अपने खिलौने
खाना भी खा रहे होगे वो भी छोड़ के आ जाएगी। फिर भाई बस खाना वाना खा के लेट गया अपनी हिस्ट्री कम्प्लीट करने, 10 बज रहे हैं। तो भाई एक ही एडवाइस है, अगर रात को सो रहे हो तो रील ना चलाओ, कोई भी लेक्चर देख लो या कुछ भी देख लो, अगर रील वगैरह मत चलाओ भाई, क्योंकि आधा एक घंटा कब 2 ढाई घंटे में कन्वर्ट हो जाए पता नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने भी देखा भाई, एक रील देखी, एक वो देखा कहते हैं शॉर्ट देखा, भाई कितने शॉर्ट देख लेते हैं हमें खुद नहीं पता। तो भाई चलो गुड नाइट, अपन जा रहा है सोने।